हिमाचल प्रदेश में रविवार को 26वां जनमंच कार्यक्रम का सभी जिलों में आयोजन किया गया। शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के कमलानगर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने की। इस मौके पर कसुम्पटी से कांग्रेस के विधायक अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। जनमंच कार्यक्रम में प्री जनमंच के बाद 25 लोगों की शिकायतें आई, साथ ही 30 नई शिकायतें मौके पर आई, जिनमें से अधिकांश लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं 40 लोगों की डिमांड आई है, जिन्हें अलग अलग विभागों को सौंपा गया है। इसके अलावा जनमंच कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 20 और लोगों की शिकायतें आई, जिनका जल्द ही समाधान किया जाएगा। इस मौके पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि शिमला जिला के कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के कमलानगर में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनमंच कार्यक्रम में प्री जनमंच के बाद 25 लोगों की शिकायतें आई, साथ ही 30 नई शिकायतें मौके पर आई, जिनमें से अधिकांश लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं 40 लोगों की डिमांड आई है, जिन्हें अलग अलग विभागों को सौंपा गया है। इसके अलावा जनमंच कार्यक्रम की समाप्ति के बाद 20 और लोगों की शिकायतें आई हैं, जिनका जल्द ही समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से जनता देखती है कि किस तरह से समाधान होते हैं, और इस कार्यक्रम में सभी अधिकारी भी तैयार होकर आते हैं, और उन्हें प्रसन्नता है कि सभी अधिकारी जनता की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करते हुए नजर आए। जयराम ठाकुर सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम जनमंच, उसका आज आयोजन सारे प्रदेश भर में हुआ। शिमला जिला का जनमंच का कार्यक्रम आज कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में था। कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो शहरी क्षेत्र आता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में है और कुछ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बाहर भी है, लेकिन शहरी क्षेत्र है, उन पंचायतों को, उन वार्डों को जो है वो इस जनमंच में आज जो है वो रखा गया था, जिसमें कल तक जो है वो जिनका समाधान नहीं हुआ था प्री जनमंच में, ऐसी 25 जो है वो शिकायतें जो है वो आज प्राप्त हुई थी, जिनके सबके समाधान जो है वो मौके पर जो है वो हो गए हैं, और 30 नए मामले आज ही ऑन स्पॉट लोगों ने दिए हैं। उसमें भी अधिकांश में जो है वो डिसीज़न हो गए हैं, कुछ लोगों ने जो है वो सेटिस्फेक्शन होने के बाद जो है धन्यवाद किया, कुछ लोग सेटिस्फाई होने के बाद आए ही नहीं, और कुछ मामले जो है वो विभिन्न अधिकारियों को सौंपे गए हैं, जिसमें एक हफ्ते का या एक महीने का जो है वो समय अलग से दिया है। इसके अतिरिक्त अभी 20 और आए हैं जो जनमंच के समाप्ति के बाद भी आ रहे हैं, ये सब भी पोस्ट जनमंच जो हमारा कार्यक्रम रहता है उसमें इनका समाधान होगा, और फिर ये ऑटोमेटिकली ई समाधान पोर्टल जो चीफ मिनिस्टर का है उसमें जाते हैं, और उसमें जो है वो उसको देखा जाता है कि कौन से समाधान हो गए हैं, कौन सा नहीं हुआ है। इसके अलावा 40 जो हैं वो डिमांड्स आई हैं, जो कहीं सड़क बनाने की है, कहीं पर जो है वो सिंचाई व्यवस्था की है, कहीं पानी की है, तो ऐसी जो है उनके बारे में अभी जो है वो आफ्टर दिस जनमंच जो है वो सारे जो ज़िला अधिकारी हैं वो इसी क्षेत्र की जो जितनी भी ये डिमांड्स आई हैं और जो बाकी यहाँ पर डेवलपमेंटल काम चल रहे हैं, उन सब की समीक्षा जो है वो इस बैठक में की जाएगी। तो ये आप देख रहे हैं बहुत ही पॉपुलर कार्यक्रम है, बड़े आम जनता जो है वो शांति के साथ और उत्सुकता के साथ जो है वो समस्याओं का जो है वो समाधान होते हुए भी देखते हैं, और उसका जो है वो किस प्रकार से पुट की जाती है, किस प्रकार से समाधान होता है उसको भी देखते हैं, और हमारे सारे अधिकारी भी जो है वो तैयार होकर के आते हैं, और मुझे प्रसन्नता है कि जो प्री जनमंच में उनको जो है समस्याएं सौंपी गई थी उसका तो समाधान उन्होंने खोजा ही, लेकिन जो मौके पर भी जो है समस्याएं दी गई हैं उनका भी जो है वो समाधान जो है वो हमारे अधिकारियों ने सौंपा है, किया है, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र का था मुख्य रूप से, जो है इसमें जल शक्ति विभाग की जिसमें शिमला में जो है वो SJPNL का काम है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे लोक निर्माण विभाग का काम था, और साथ
जो है वो नगर निगम की ज़्यादातर समस्याएं थी, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हर एक प्रकार की समस्या जो है वो नगर निगम के अंतर्गत आती है, तो इसलिए उनका समाधान जो है उन सब विभागों द्वारा किया गया है। और इसके अतिरिक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी जो है वो अपनी जो है प्रदर्शनियाँ लगी हैं, और हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी जो है वो अपने अपने कामों के जो है वो सारा